वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवेंद्र नाथ प्रसाद तिवारी जी और बहुत ही मानयोग प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, विद्वान दोस्तों और यूनिवर्सिटी परिवार के सभी सदस्यों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जिस सेमिनार में हम शिरकत कर रहे हैं उसका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसमें जो हमारी सभ्यता के साथ एक एलियन सभ्यता का संघर्ष शुरू होता है उसके बारे में साहित्य में हमारे चिंतकों ने क्या क्या फॉर्मुलेशंस की हैं, क्या क्या अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसको सप्त सिंधु का नाम दिया गया। सप्त सिंधु सात नदियों का क्षेत्र है लेकिन साधारण क्षेत्र नहीं है। सप्त सिंधु एक सभ्यता है और मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो हमारा देश है ये सिर्फ एक देश नहीं है, एक राष्ट्र भी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन स्टेट है जिसको वेस्ट वाले हमें कई बार कहते हैं कि नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट उन्होंने कहा इसीलिए हमारी आवाज़ें उठती रहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, नेशन स्टेट के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन सिविलाइजेशन को कौन तोड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ आज हमारी सिविलाइजेशन के बारे में साहित्य का रिस्पांस क्या है, उस रिस्पांस के बारे में हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं और आज के संदर्भ में तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज बहुत सी ताकतें हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी हमें तोड़ने के लिए उतारू हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया। हमें जो हमारी शिक्षा नीति बनी वो तो ब्रिटिश दौर में, कॉलोनियल दौर में लॉर्ड मैकाले ने तैयार कर दी, मिनट ऑन एजुकेशन, और उसने बड़ी सिंपल सी अपनी एजुकेशन बनाई क्योंकि वो तो दमनकारी था, उन्होंने तो हमारे ऊपर राज करना था। उन्होंने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा और क्या शिक्षा नीति हो सकती है, हमारी भाषाओं को दरकिनार करके एक बाहर की लैंग्वेज वो लेके आए, इंग्लिश को उन्होंने स्थापित कर दिया और उसको रोजगार की और एजुकेशन की भाषा बना दी। इसी का नतीजा हम भोगत रहे हैं। हमें जो हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है उसे इतना भुला दिया गया, इतना भटका दिया गया कि हम भूल ही गए कि हमारे पास भी हमारी कोई कंट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है। लेकिन आज फिर दोबारा सिविलाइजेशन की चेतना का युग उदय हुआ है और जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ उस समय सैमुअल हंटिंगटन ने एक किताब लिखी थी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें एक नई बात ये आई, उसने कहा कि अब जो संघर्ष होने जा रहा है वर्ल्ड में वो सिविलाइजेशन और कल्चर को लेके होगा। तो सिविलाइजेशन और कल्चर ये तो हमें जीने की कला सिखाती हैं, ये इसमें संघर्ष क्यों होगा? वो उसने आइडेंटिफाई जो किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उसने कहा था कि देखिए ये जो सिविलाइजेशन क्लैश है ये मेनली इट विल बी मेनली बिटवीन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एंड रिसर्जेंट इस्लाम। बाकी सभ्यता के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, बाकी सभ्यताओं के बारे में उसने कैटलॉगिंग की है, उसने कहा ये भी सभ्यता है लेकिन जो क्लैश होगा तो वो तो इन दोनों में होगा। अब ध्यान से देखें ये तो दोनों एक ही सभ्यता के अंग हैं।
अब्राहमिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आते हैं, लेकिन उनमें ही संघर्ष क्यों होगा? उसने कहा था कि ये इसलिए होगा कि ये दोनों मजहब धर्म नहीं, ये मजहब प्रोजिलिटाइजिंग रिलीजन्स हैं, ये कन्वर्शन में विश्वास करते हैं, और दूसरे कि ये कहते हैं कि सत्य केवल हमारे पास है और सत्य की मोनोपोली वो करके और दूसरे का दमन करना, मतलब उनकी नजर में जो दूसरा है वो एनिमी है। उन्होंने डिवाइड कर दिया मानवता को मोमन और काफिर में, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर में। तो यहां से संघर्ष शुरू होता है। ये सभ्यता आज से मतलब 8वीं शताब्दी में अरबों के माध्यम द्वारा 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, तो वो पहला आक्रमण था एक सभ्यता का, दूसरी सभ्यता के ऊपर एक आक्रमण था। हम देखिए हमारी सभ्यता जिसमें चार धर्म परंपराएं विकसित हुई हैं, सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म, ये धार्मिक परंपराएं हैं, मजहब नहीं है, रिलीजन्स नहीं है। क्योंकि हमारी जो इस संसार के बारे में जो अवधारणा है वो वैज्ञानिक है, हमारी जो सभ्यताओं का जो केंद्र बिंदु है वो ज्ञान है, हमारी सभ्यता ज्ञान केंद्रित है और धर्म आधारित है, और धर्म मजहब नहीं है। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म, धर्म तो वो है जो धारण करता है। गुरु नानक देव जी भी यही बात कहते हैं अपनी भाषा में कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत, कि धर्म तो वो बल्द है जिसके सींगों पर ये दुनिया टिकी हुई है। धारयति इति धर्म, वही बात। तो इसमें हमारी सभ्यता को दमन करने के लिए 8वीं शताब्दी में कोशिशें शुरू हो गई, और अगर हम देखें तो 1000 साल का समय बनता है जब हमारी सभ्यता अंडर अटैक रही है, एक ऐसी सभ्यता के रूप में जिसके पास मानवता के वो मूल्य नहीं जो हमारे पास है। हमारी सभ्यता में तो कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, भगवद गीता में ये हमारी सभ्यता का एक सूत्र वाक्य है कि इस संसार में ज्ञान के बिना और कोई चीज पवित्र नहीं है। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम तो ज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी को एक शक्ल देते हैं, एक कला देते हैं, इस विश्व के ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद में 2 अवधारणाएं हैं, सत्यम और ऋतम। इसने हमारी विश्व दृष्टि का निर्माण किया है कि ये दिसने वाला जगत जो है ये अल्टीमेट रियलिटी है। उस अल्टीमेट रियलिटी की खोज कर रहे हैं हम। अब्राहमिक रिलीजन में खोज नहीं है, उसमें कमांडमेंट्स हैं, हुक्म हैं, जो मानने पड़ेंगे, जो नहीं मानेगा उसको सजा मिलेगी। हमारे तो जो स्क्रिप्चर नहीं, हमारे ज्ञान ग्रंथ है। ये ज्ञान ग्रंथ हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और जीने की कला सिखाते हैं। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारी सभ्यता का दमन करने की जो कोशिश की गई उसका फिर प्रतिरोध का इतिहास है। आज की जो थीम मुझे बहुत अच्छी लगी, माननीय कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी का ये सारा उनका विजन है, इनको मैं जैसे मैंने देखा, इनकी किताबें पढ़ने का भी मुझे मौका मिला, इनके पास जो विजन है वो हमारे उस दमित इतिहास को समझने का है कि जिस दमन का हम शिकार हुए हैं तो हमारा रिस्पांस क्या है। लिटरेरी, हमारे लिटरेचर्स ने क्या रिस्पांस दिया इसमें। सबसे बड़ा जो इस दौर में जो रिस्पांस है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के रूप में आता है, सिद्ध नाथ और संत वाणी के रूप में आता है। क्योंकि जिस समय की बात हम कर रहे हैं उससे पहले हमारी सभ्यता का एक बहुत विशाल विश्व दृष्टिकोण विकसित हो चुका है,
उसने तो हमें जीवन जीने की कला सिखा दी, लेकिन 8वीं शताब्दी में जब हम अंडर अटैक हुए तो फिर रिस्पांस क्या है? तो पहला रिस्पांस आप गुरु नानक देव जी का देखे, जब बाबर का हमला होता है, ये आज के मैं उन लोग भटके हुए लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो हमारे एक बड़े देश को छोड़कर छोटा सा एक दुआब रहना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान राया। बाबर का आक्रमण पंजाब के एमनाबाद के इलाके में हुआ, नानक देव जी वो एमनाबाद पंजाब के ऊपर हमले की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान राया, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान। तो मतलब बाबर के हमले को अपनी सभ्यता के ऊपर एक हमले के रूप में देखते हैं। तो मतलब हम जो वारस हैं, हम तो सारे भारत के वारस हैं, हिंदुस्तान के वारस हैं। हमें जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, इनका जवाब इसी में है कि गुरुओं की वाणी तो पढ़ लो। उस वाणी में जो हमें शिक्षा है वो तो वो ऐसे खित्ते की शिक्षा है जिसमें हमारे जीवन को आदर्श प्रदान करने वाले ऋषियों से शुरू होती है बात, गुरुओं भक्तों और संतों के साथ, उनके ज्ञान प्रवचन के साथ आगे चलती है। और उन्होंने जो दमनकारी इतिहास है उसकी ईन नहीं मानी, हमें गुलाम बनाया लेकिन हमने गुलामी स्वीकार नहीं की। देश के कोने कोने में हर जगह उसका प्रतिरोध होता रहा है, और उस प्रतिरोध का जो इतिहास है वो हमारे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में अंकित किया है। मुझे लगा है कि ये एक ऐसी थीम है जो आज हमें विचारने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा ये सभ्यता का जो देश है, इसकी मैं आपको अगर बताऊं कि इसको हम क्यों, इसका संरक्षण करने क्यों करते हैं, कि यही वो सभ्यता है जो मानवता को बचाएगी। क्योंकि देखिए हमारी सभ्यता की दो ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी आज के इस मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंगुअल संसार में को एग्जिस्ट करने के लिए जिन दो चीजों की जरूरत है वो हमारे पास हैं। वो क्या है कि हमारी सभ्यता प्लूरलिस्टिक है, बहुलतावादी है, और बहुलतावादी हमारे ऋग्वेद के ऋषि ने एक सूत्र में उन्होंने कह दिया था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। और मैं तो गुरुवाणी जब पढ़ता हूँ तो शास्त्रों की बातें याद आती हैं, और शास्त्र पढ़ता हूँ तो गुरुवाणी की बात याद आती है, मुझे फौरन गुरु नानक देव जी का वो शब्द याद आ गया कि एक का सुरती जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई न की, जे ही सुरत देहाते मेरा। मतलब है कि हमारी नजर में जो सत्य तो एक है, उसको अलग अलग नामों से हम पुकार सकते हैं, उसके मार्ग अलग हो सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो ही देती। और एक मैं गुरु गोविंद सिंह जी तो अपने समय के जो प्लूरलिस्टिक विजन वाले सबसे एक महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में देखिए जो प्रभु की जो उस्तत करते हैं, उन्होंने दो बातें की। वो कहते हैं कि कहूं भेद रीत कहूं तास्य विपरीत, कि इस दुनिया में दो ही बातें हैं, कहीं तो वेद की रीत प्रचलित है और कहीं उसके उलट है, कहूं त्रिगुण अतीत समेत, इसके अलावा और कोई चिंतन नहीं। देखिए कि उस जो परम सत्य का रूप है उसको निर्गुण निराकार भी कहा गया, सगुण साकार भी कहा गया। हमारे धर्मों में डायलॉग है, क्लैश नहीं है, हमारे डिस्कशंस होती हैं, संवाद होता है, गोष्ठी होती है, वो ज्ञान के लिए होती है। तो ये मॉडल हम दुनिया को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। हम क्या दुनिया को क्या दिखाएंगे क्या है, हमें तो मुगलों का गुणगान करना सिखाया गया है, हमारे ऋषियों का, हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का, हमारे भक्तों का क्या प्रवचन है ज्ञान का, उसके बारे में पता है किसी को? नहीं पता।
क्यों? इसीलिए हम भटक जाते हैं, हमें भटका दिया जाता है, चाहे कोई बाहर का हो कहीं कहीं भीतर से हो। तो इस भटकाव का एक ही प्रति उत्तर है, वो है ज्ञान, चिंतन, चेतना। और खास तौर पर उस समय के बारे में चेतना करने की जरूरत है जो हमारी सभ्यता के ऊपर अटैक रहा है और आज भी वो कायम है, और उसका प्रत्युत्तर हमारे साहित्यकार ही देंगे। इतनी सी बातें कह के मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।